दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2 मार्च को आपको फिजिक्स का पेपर देने जाना है, जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में 2 मार्च को फिजिक्स का पेपर है। अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो से 70 नंबर फिजिक्स में आपका जरूर पक्का होगा। सिर्फ इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। 2023 में 101% यही सब आएगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वेरी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2 मार्च को आपका पेपर है, ऐसी वीडियो आप पर यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली, 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों मैं। अगर आप आज की इस वीडियो को देखते हो तो आपको 70 नंबर पक्का कराने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, आज की इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है और 2023 में ये जरूर आएंगे, 100% कंफर्म है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आज की इस वीडियो को पूरा देखना तो यमराज का दादा भी आपको फेल नहीं कर सकता, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा इससे बाहर 2 मार्च को कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है जो आपको तैयार करना है, गॉस की प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्च को ये जरूर पूछा जाएगा, गॉस की प्रमेय, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाली हेडिंग को आपको पढ़कर जाना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग लगभग इससे क्वेश्चन आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ठीक है। अब देखिए, कुलाम का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुलाम का नियम, कोलंबस लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कुलाम का नियम। उसके बाद देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, इसको आपको नहीं छोड़ना है, इसे तैयार करके जाना है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होता है इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी आपको तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 2 मार्च को ये पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या आता है, विभव प्रवणता, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विभव प्रवणता, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन भी आते हैं विभव प्रवणता, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे जिंदगी में कभी भी तो आपको ये याद होगा, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम आपको पढ़ लेना है डिटेल्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए, धारा घनत्व, इस करंट डेंसिटी, इंग्लिश मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख करके अपना 70 में 70 पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए हम आज इस वीडियो को बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये क्या होता है इसको भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हीट स्टोन सेतु, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्च को जरूर देखने को मिलेगा, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, इसको तैयार कर लेना, हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए, लॉरेंज बल,
लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल क्या होता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉरेंज बल, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बायो सेवर्ट का नियम। जी हाँ दोस्तों, बायो सेवर्ट लॉ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बायो सेवर्ट लॉ, इसे आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद देखिए उसी के नीचे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। एम्पियर्स करंट्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, इसको आपको तैयार कर लेना है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद देखिए भंवर धाराएं, इसको भी आपको तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भंवर धाराएं, इससे 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वप्रेरण, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अन्योन्य प्रेरण, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इन सभी का आपको तैयार करके चलना है। एडी करंट्स, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चोक कुंडली। जी हाँ दोस्तों, चोक कॉइल्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए उसी के नीचे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिपका हुआ है, क्या है वाटहीन धारा, वाटलेस करंट, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं आगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है विद्युत धारा जनित अथवा डायनेमो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कक्षा 10 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या विद्युत धारा जनित अथवा डायनेमो, कक्षा 10 में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th वाले इसे तैयार कर जाना, आपके बोर्ड एग्जाम 2 मार्च को फिजिक्स के पेपर में जरूर पूछा जाने वाला है विद्युत धारा जनित अथवा डायनेमो। उसी के नीचे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ट्रांसफार्मर वाली टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल लेंस, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण, इसको आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों लेंस की क्षमता, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंस पावर, लेंस की क्षमता क्या होती है, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेत्र की समंजन क्षमता, एडजस्टमेंट एबिलिटी ऑफ द आई, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है। और प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको एक भी नहीं छोड़ना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष, जी हाँ दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर में हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद देखिए दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन दोनों में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद देखिए
प्रकाश का विवर्तन डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का विवर्तन डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, दोस्तों ध्यान दो, प्रकाश का विवर्तन, उसके बाद देखिए प्रकाश का अपवर्तन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपको इन दोनों को अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है, ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए अगला क्या है, तरंगाग्र वेव फ्रंट, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तरंगाग्र, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश विद्युत कार्य फलन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल वर्क फंक्शन, फंक्शन ऑफ लाइट, इसको भी आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, डी ब्रोगली वेवलेंथ एक्सप्रेशन, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इस सभी को आपको तैयार करके जाना है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको तैयार करके जाना है, और नाभिकीय संलयन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी मत छोड़ना, ठीक है। समस्थानिक एवं संभारिक, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आपको तैयार कर लेना है, समस्थानिक एवं संभारिक, आइसोटॉपिक्स एंड एलिज, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊर्जा बैंड फोटोडायोड, एनर्जी बैंड फोटोडायोड, इस सभी को आपको तैयार करके जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है, इसे जो भी बच्चा पढ़कर जाता है 70 में 70 लाने से उसे कोई नहीं रोक सकता, अगर इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करकर जाता है, ठीक है। अब देखिए पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र एवं कार्यविधि समझाइए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेना, ठीक है। दोस्तों आज की ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, क्योंकि दोस्तों सभी छात्र अब की बार पास हो जाए यही हमारी कल्पना है दोस्तों, देखिए है दोस्तों, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना, खासकर जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनके पास जरूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि अब कोई भी बच्चा फेल ना हो, क्योंकि दोस्तों हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे सबको पास कराने की, इसलिए आपको एक प्रॉपर वीडियो दे रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है।